हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आई टीच यू चैप्टर फर्स्ट ऑफ साइंस क्लास 8, लास्ट चल रहा है चैप्टर का। ओके, नाउ स्टार्ट स्टूडेंट्स। रिजर्वेशन एंड द स्टोरेज ऑफ द फूड, मैं आपको इसके बारे में बता रहा था कि भोजन का जो रख रखाव है या किस प्रकार से रखना चाहिए ग्रेन्स को, भोजन को, अनाज के दानों को, उसके बारे में पूजा करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट करा चुका था, ठीक है। बट द फॉलोइंग आज सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ गुड स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरिंग ग्रेन ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। इट शुड बी इजी टू क्लीन, उसको बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। इट शुड बी वाटर प्रूफ, और जो हाँ स्टोर हम कर रहे हैं वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। इट शुड बी प्रोटेक्ट ग्रेन अगेंस्ट वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी, और जहाँ भी इनको हमको स्टोर करना है वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ ना तो ज़्यादा टेम्परेचर हो और ना ही वहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगला पॉइंट था उसमें, इट शुड बी लोकेटेड इन ए कन्वेंट पैलेस टू सो द ट्रांसपोर्टेशन बिकम इजी, और गोडाउन ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहाँ से आसानी से ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो सके, उनको अच्छे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको पहुँचाया जा सके। अगला पॉइंट है, इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और उनको बहुत अच्छे से सुरक्षित करना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, इट शुड बी कन्वेंट फॉर रेगुलर चेकअप ऑफ स्टोर फूड मटेरियल, और जो भोजन, जो अनाज के दाने हमने जो स्टोर किए हैं उनको रेगुलरली टेस्ट भी करते रहना चाहिए, चेकअप भी करते रहना चाहिए, उनका निरीक्षण भी करते रहना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है इसका, इट शुड बी कन्वेंट फॉर द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड आल्सो फॉर द कंट्रोल ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनमें हमको जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज करना चाहिए, ठीक है। आज तो कंट्रोल आदर में, और दूसरे जो छोटे छोटे जीवधारियाँ उनको भी कंट्रोल करना चाहिए जिससे जो ग्रीन है वो खराब ना हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करेंगे हम क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जो फसल का जो चक्रण होता है एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, और उसमें एक साथ कई फसलों को एक ही खेत में, एक ही फील्ड में उगाया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिफरेंट डेप्थ्स। Different crop can be grow on the same land by rotation such as that mature dependence in the reduce and weeds are bendered infected। बहुत बढ़िया बात है। Different crops, अलग अलग जो फसल होती है require different nutrients, उसको अलग अलग nutrients चाहिए from different depth, ठीक है। एंड डिफरेंट क्रॉप्स कैन बी ग्रो ऑन द सेम लैंड, लेकिन डिफरेंट अलग अलग फसल को एक ही भूमि पर, एक ही मिट्टी पर उगाया जाता है बाई रोटेशन, किसी कारण रोटेशन के द्वारा, बदलने के कारण, ठीक है, चक्रण के द्वारा। सच दैट मैन्योर डिपेंड्स द रेड्यूस एंड वीड्स आर बेंडर इन्फेक्टेड, और उसमें जो मैन्योर होता है, खाद होता है, ठीक है, उसको देख करके उसकी न्यूट्रिएंट्स की भरपाई की जाती है जिससे नई फसल तैयार हो जाती
ठीक है, वाइल डूइंग सो सर्टेन डिसीज आर नॉट अलाउड टू स्टेबलाइज. ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर्स सेलो रूटिंग सेरियल क्रॉप आर ग्रो. ठीक है, वाइल डूइंग सो सर्टेन डिसीज, अचानक उसमें कोई विशेष प्रकार की बीमारी हो जाती है, आर नॉट अलाउड टू स्टेबलिश, वो जो है उसको स्टेबल फसल को अलाउड नहीं करेगी. इन द फर्स्ट ईयर प्रथम साल में सेलो रोटिंग सेल क्रॉप आर ग्रो, पहली बार में उसको क्या करना है, जो सेल्स क्रॉप होती है उसको हमें जैसे गेहूँ है मक्का है जो है उसको यूज करना चाहिए, उसको खेती करना चाहिए. फॉलो बाय दिस सीजन दिस इन सेकेंड ईयर डीपर रूटिंग क्रॉप सच एज ए पोटैटो, और अगले साल में इसको सेकेंड ईयर में करना चाहिए उसमें पोटैटो आर ग्रो. इन द थर्ड ईयर ठीक है बार्ली और ओट्स में भी ग्रो, और तीसरे वर्ष में उनको बार्ली और जो जौ वगैरह होती है उनको उसमें में ग्रो करना चाहिए. सच दैट पोटैटो ब्लाइट द डिसीज इज ठीक है कट लाइट. फोर्थ ईयर लेग्यूम प्लांट्स लाइक पी एंड ग्रो सो एज ठीक है रिप्लेनिश, और चौथे वर्ष में जो पी वगैरह होती है मक्का वगैरह चना वगैरह होती है इस प्रकार की ऐसा करनी चाहिए. न्यूट्रिएंट्स बाय द फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल, जिससे जो नाइट्रोजन फसल में से खेत में से खत्म हुई थी वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फिक्सेशन पी के द्वारा मटर के द्वारा अनाज ग्राम के द्वारा अर्थात चने के द्वारा दालों के द्वारा वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सके. देयर इज अनदर पैरासाइट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कॉल्ड मल्टीपल चॉइस, इस प्रकार की जो प्रैक्टिस होती है खेती होती है उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एट ए टाइम इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, एक समय में एक से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है. दिस इम्प्रूव द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड क्रॉप इज ग्रो ऑन द राइज्ड ग्राउंड स्टिमुलियंस सिमुलटेनियसली विद द व्हीट क्रॉप ग्रो इन द फ्यूरोस इन द सेम फील्ड. ठीक है, तो जो हमने बताया आपको यहाँ पर कई जो फसलों को एक साथ एक से अधिक फसलों को एक साथ उगाना है ठीक है मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है. आप सिंपल समझ सकते हो कि जब कई बार देखा अपने अनाज की खेती में जो कि खेती में मस्टर्ड को भी साथ में उगा देते हैं लाइन बना करके. ठीक है, तो ये क्या हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई. Now student, today is complete the topic. Tomorrow I will teach you next topic, food from animals. And this is the last topic of this chapter. Okay, bye and take care.